हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू द ब्लॉग वीडियो। आपका अभी चैनल पर सभी का इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो गाइस, अभी मैं आनंद सिटी में आया हूँ। देख सकते हैं पीछे सबसे बड़ा यमा का शोरूम है, दिख नहीं रहा है तो बाद में बताऊँगा। यमा का शोरूम में आ रहा हूँ भाई। गाड़ी को क्या, मेरी ओल्ड गाड़ी थी ऑलरेडी, जो बाइक यमा फिर इसको मैं सर्विस कराना है एंड सो और भी कुछ मटेरियल डालना है, क्योंकि आप डैमेज हो चुके हैं पूरी गाड़ी, ब्रेक चल नहीं रही, वैसे कार्बेटर भी सब गाड़ी बार बार क्या बंद होती रहती है। उसके लिए सर्विस के लिए मैं आया हूँ यहाँ पर। ये हम आनंद सिटी, ये हमारा शोरूम सबसे बड़ा है एंड सुबह देख सकते हैं आप पीछे, सो मज़ा आएगा। अभी अंदर का बस नज़ारा भी बताने वाला हूँ, बाहर का भी कुछ बताने वाला हूँ। गाड़ी में ऑलरेडी क्या दिक्कत है कुछ पता नहीं, लेके गया भाई आ गया सर, देखते हैं बात करते हैं। सुझा गाड़ी से हमारी गाड़ी लेके जा रहा है, ये भाई को पूछेंगे क्या हुआ क्या प्रॉब्लम है। सो मज़ा आएगा, देख सकते ये नीचे गोडाउन गाड़ी सर्विस करती है ऑलरेडी। शो प्रॉब्लम जाने प्रॉब्लम से आई कांट बिलीव मी, जबरदस्त साउंड से यार पजियो नहीं रास्ता में तुमने कोई। थैंक यू सो मच अंकल। गाइस गाड़ी देख सकते हमारी सबसे बढ़िया, ये हमारी फिल्टर से एंड सो क्या प्रॉब्लम से ऑलरेडी जो बताने वाला हूँ। ये भाई कह रहा है आपका वायरिंग मॉडल डायरेक्ट किया था, उसके लिए क्या गाड़ी चालू नहीं हो रही थी, बंद चालू थी। ये हमारा ओल्ड मॉडल से यमा फेजस जो आनंद सिटी में आया लेने के लिए सर्विस। तो गाड़ी देख सकते हो कितने सारा स्टॉक है ऑलरेडी। यमा तो यमा कंपनी का जो कम मॉडल है वही सर्विस करते हैं ऑलरेडी। तो कितनी सारी गाड़ी है सब है, अलग अलग मॉडल से MT भी है, जैसे MT 50। ओ नो यार, क्यों रहे साहब शांति है बस सर। ओके साहब, तमने जी तो योग्य लागे तो केले से खर्चो हमने ओके चालीस सौ कसो आंदो नहीं। गाड़ी का थोड़ा थोड़ा सा खर्चा ऐसा बोल रहे अंकल, कोई बात नहीं। मगर जी गाड़ी से साहब मगर ऐसी बोल रहे गाड़ी। गाइस गाड़ी में कितनी सारी बाइक है ऑलरेडी, बाइक रखो तो बाइक ऑलरेडी सर्विस कर गए यमा का ही ऑलरेडी अभी सर यमा। सर्विस रिसेप्शन एस्टिमेट निकाल दिया है, तकरीबन 23,000 का 23-25,000 का एस्टिमेट निकला है, बहुत ही ज़्यादा है। इतना यहाँ पर बजट है ही नहीं ऑलरेडी, ज़्यादा एस्टिमेट कन्फ्यूज हो गया, इतना सारा पैसा कहाँ से लगा पता नहीं। जो भी होगा सो देखा जाएगा, गाड़ी का पूरा निकल गया, कारपेटर से ब्रेक से वायरिंग जो जम्पर है जो बनाना है सब डैमेज है, गाड़ी का पूरी तरह से डैमेज है, इसलिए वो बंदा डैमेज है उसके लिए क्या सर्विस कराने पर गाड़ी को। भाई सब घर भी जाना है, गाड़ी चालू हो सकती नहीं है, उसको धक्का लगाना तभी गाड़ी चालू होगी, मैं आपको बताने वाला हूँ चल के देखते हैं। सो 25,000 का एस्टिमेट हुआ गई टोटल ही गाड़ी, अभी गारंटी दे ही नहीं था कि चालू हो गई, मतलब कम्फर्टेबल आगे तक लॉन्ग टाइम चली गया नहीं चली, 1 साल या 2 साल। गाड़ी जो है क्या ओल्ड है ना बाइक जमा फेज है, उसके लिए ज़्यादा दिक्कत रहती है, उसके लिए चल के देखते हैं तो क्या होगा पता नहीं। गाइस गाड़ी चालू चुकी है, बाइक हमारी अब जाने वाले ऊपर की तरफ, देख सकते शोरूम सबसे बड़ा है। ओके सो गए, चलिए दोस्त मिलते हैं तब साहब, आओ तारे तब साहब आ जाओ। पता नहीं क्या होगा,
अब जाने वाले घर की तरफ। ये हमारी बाइक है, ये हम लेने वाले। मुझे गाड़ी ले तू हेलमेट। हाँ चल के चलते घर की तरफ। ये शोरूम है।